हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। हिंदी आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्रिया के बारे में जानेंगे, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद। तो इसमें हम क्रिया और क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि ये महिला क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। दूसरे चित्र में ये लड़की क्या कर रही है, नाच रही है। तीसरे चित्र में लड़का क्या कर रहा है, लड़का किताब पढ़ रहा है। और चौथे चित्र में लड़की खाना खा रही है और लड़का हंस रहा है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का ज्ञान होता है वे क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हमने चित्र में देखा, नाच रही है, पढ़ रही है, खा रही है, हंस रहा है, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। अतः नाचना, पढ़ना, खाना और हंसना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। यानी कि किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब हम इनकी क्रिया और धातु के बारे में जानेंगे कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़ने से उसका सामान्य क्रिया रूप बनता है। जैसे धातु क्रिया क्या है? पढ़। अब पढ़ में हम प्लस ना जोड़ेंगे तो सामान्य क्रिया क्या बनेगी? पढ़ना, यानी कि पढ़ना। बैठ। अब धातु क्रिया है बैठ, तो बैठ में हम ना जोड़ेंगे तो ये हो गया बैठना। लिख प्लस ना, तो ये हुआ सामान्य क्रिया लिखना। उठ प्लस ना, तो उठ प्लस ना की सामान्य क्रिया क्या हुई? उठना। अब हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया को दो आधार पर विभाजित किया गया है। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। अब क्रिया के भी क्या है, दो तरह के भेद होते हैं, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरे संरचना के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, तो सब पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अ यानी कि अकर्मक, यानी कि बिना कर्म के, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विदुषी नाच रही है, प्रखर दौड़ रहा है, तो इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? यानी कि क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यानी कि किसी भी क्रिया में क्या तथा किसको लगाते हैं और फिर वो प्रश्न करने से अगर उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी हम देखेंगे सकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अपूर्वा सितार बजा रही है, तो अपूर्वा क्या कर रही है? सितार बजा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया है। माली पौधों में पानी लगा रहा है, तो जो माली है वो क्या कर रहा है? पौधों में पानी लगा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया की क्या पहचान होगी? यानी क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिलने पर क्रिया सकर्मक होती है। तो पहले तो हमने देखा था अकर्मक क्रिया में कि क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने से अगर किसी उसका उत्तर नहीं मिलता है
तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और सकर्मक क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछने से अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हमने पढ़ा माली पौधों में पानी लगा रहा है, तो माली क्या कर रहा है, इसमें क्या लगाया गया है, माली क्या कर रहा है, पौधों में पानी लगा रहा है, तो ये इसका उत्तर हुआ। अपूर्वा क्या कर रही है, अपूर्वा सितार बजा रही है, तो ये भी एक सकर्मक क्रिया हुई, यानी कि इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिल रहा है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिन प्रश्नों का उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिस क्रिया, अगर वह क्रिया जिसका एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो उनका एक कर्म क्या है कि वो प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, तो उनका ये हुआ एक कर्मक क्रिया। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या कर रही है, पाठ पढ़ा रही है, तो वो एक कर्मक क्रिया, यानी कि एक ही काम कर रही है वो पाठ पढ़ाने का, तो वो एक कर्मक क्रिया हुई। अब सकर्मक क्रिया के दूसरा भेद कौन सा होता है, द्विकर्मक क्रिया। पहले तो हमने पढ़ा एक कर्मक क्रिया और दूसरा हुआ द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि किसान बैलों को चारा खिलाता है, तो यहाँ पे दो कर्म क्या हुए, किसान बैलों को क्या कर रहा है, चारा खिला रहा है, तो एक तो बैल खुद भी चारा खा रहे हैं और किसान भी उनको खिला रहा है, तो यहाँ पे कर्म हो गए दो कर्म हो गए इसमें, तो ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। डॉक्टर मरीजों को दवाइयाँ देता है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो मरीजों को क्या दे रहा है, दवाई दे रहा है, और मरीज भी दवाई ले रहे हैं, तो यानी मरीज भी दवाई लेता है और डॉक्टर भी दवाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी दो कर्म हुए। तो ऐसी क्रियाएं यानी कि जिसमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। आगे हम देखते हैं संरचना के आधार पर हम क्रिया के भेद देखेंगे। तो संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया की परिभाषा क्या होगी, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है, यानी कि वह है वाक्य जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, तो इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यानी कि राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, यानी कि राम बाजार गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यह एक सामान्य क्रिया है। बच्चों परिश्रम करो, तो यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहे हैं, परिश्रम करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी एक सामान्य क्रिया है। दूसरी हम देखेंगे संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। पहले तो हमने देखी सामान्य क्रिया जो कि एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, अब यहाँ पे संयुक्त में दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, छात्र है, यानी कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, छात्र विद्यालय में दो या दो से अधिक, यानी कि छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। मैं तुम्हारे घर पहुँचने वाला हूँ, तो पहुँचने वाला हूँ ये संयुक्त क्रिया है। अब तीसरी हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। यानी कि नाम धातु क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी कि जो क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से मिलकर बनती हैं, उसे हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, शब्द देखते हैं गर्म, अब हम इसमें विशेषण जोड़ेंगे तो ये नाम धातु क्रिया क्या होगी, गर्माना। ख है बात, यहाँ पे शब्द क्या है, बात, तो अगर इसमें हम संज्ञा जोड़ेंगे
तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया क्या हुई, बतियाना यानी कि बताना। हाथ, हाथ में संज्ञा संज्ञा जोड़ेंगे यानी कि एक संज्ञा है हाथ, तो इसमें नाम धातु क्रिया होगी हथियाना। अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, तो ये नाम धातु क्रिया इसकी क्या होगी, अपनाना। अब आगे हम फोर्थ देखेंगे, प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी हम पहले परिभाषा देखेंगे, काम कराना या करवाना, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह है पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि वो कर्ता जो है वो स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे को काम करने के लिए कहता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, मैं धोबी, यानी कि उसने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो यहाँ पे वो है खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे को कह रहा है कि किसी दूसरे से कपड़े धुलवाए उसने, तो ये उसे प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरित कर रहा है। दूसरा है डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलाई, तो यहाँ पे जो कर्ता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है यानी कि वो खुद दवाई नहीं पी रहा है, वो सामने यानी कि दूसरे को कार्य करने के लिए कह रहा है, दूसरे को दवाई पीने के लिए कह रहा है, तो ये उसे प्रेरित कर रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं यानी कि किसी क्रिया का पूरा होने से पूरा होना, यानी किसी क्रिया का पूरा होने से पहले ही उसे पूरा होना पाया जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है, जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, तो यहाँ पे जो पहुंचकर है वह पूर्वकालिक क्रिया है। आगे है बड़े बेटे ने अनुपम से छीन कर दूध पिया, तो यहाँ पर जो क्रिया है वह छीन कर, यानी कि वह दूध तो पी रहा था लेकिन उसने छीन कर, यानी कि कार्य को होने से पहले ही पूरा कर दिया गया, यानी कि छीन कर उसे पी लिया दूध, तो यह है पूर्वकालिक क्रिया। आगे अब क्रिया चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।